गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित मैं कक्षा 6 के बच्चों को महान व्यक्तित्व का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है महर्षि दधीचि। देखिए, महर्षि दधीचि का नाम आप सभी ने सुना होगा, उनके बारे में ही इस पाठ में बताया गया है। देखिए, संसार में समस्त प्राणी अपने लिए जीते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए अपने स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीचि का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीचि अत्यंत ज्ञानी थे। उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। दूर दूर से विद्यार्थी उनके यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। वे सज्जन, दयालु, उदार तथा सभी से प्रेम का व्यवहार करते थे। महर्षि दधीचि नैमिषारण्य, जो सीतापुर में है, सीतापुर जिले में, यानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास स्थित है, वहाँ के घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे, यानी नैमिषारण्य में रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, जिससे लोगों का हित होता रहे। असुरों के कार्य और व्यवहार ठीक नहीं थे, लोगों को तरह तरह से सताया करते थे। वे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। देवताओं को इससे चिंता हुई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था कि असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। बहुत दिनों से यह लड़ाई चल रही थी। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफल नहीं हुए। देखिए, सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि असुर भी देवताओं की ही उपासना करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपासना करते थे, तपस्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे, और कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न करके वरदान मांग लिया करते थे, और उसी शक्ति का, वरदान की शक्ति का दुरुपयोग किया करते थे। तो देवता थे ही जो पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन राक्षस भी जो थे देवताओं को ही प्रसन्न करके उनसे वरदान मांग लिया करते थे और उनका दुरुपयोग करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। तो हुआ क्या कि देवासुर संग्राम चल रहा था। असुर देवताओं से लड़ रहे थे क्योंकि वे अपना प्रभुत्व चाहते थे। राक्षस अत्याचारी थे। देवताओं ने देवराज इंद्र को जीत का उपाय पूछने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग की शक्ति के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नैमिषारण्य वन में एक महर्षि दधीचि ने तपस्या और साधना से अपार शक्ति जुटाई है। उनकी अस्थियों से बने वज्रास्त्र से असुरों को हराया जा सकता है। यानी अभी मैंने बताया कि जो महर्षि दधीचि थे नैमिषारण्य में तपस्या करते थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं उनकी हड्डियों से, अस्थियां माने हड्डियां, हड्डियों से बने हुए अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो ये राक्षस जो है असुर पराजित हो सकते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार यह संभव नहीं है कि इन असुरों को पराजित किया जा सके। तो महर्षि दधीचि को देवासुर संग्राम की जानकारी थी क्योंकि वो इतने बड़े तपस्वी थे, उनको समस्त जानकारी अपने आप हो जाया करती थी ज्ञान चक्षुओं से। वे देवताओं की विजय चाहते थे। इंद्र ने उनके पास पहुंचकर उनकी अस्थियों से बने वज्रास्त्र की आवश्यकता बताई, जिससे वृत्तासुर का वध किया जा सके। महर्षि ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को धन्य समझा और योग माया से अपना शरीर त्याग दिया। देखिए क्या हुआ, महर्षि दधीचि जो थे अत्यंत पराक्रमी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। अपने तप की शक्ति से ही उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि हमारी हड्डियाँ इस कार्य में काम आने वाली हैं। तो उन्होंने जब इंद्रदेव उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, यानी स्वयं को भाग्यशाली समझा, और उन्होंने अपने शरीर को गाय से अपने शरीर के मांस को चटवा दिया, यानी जीवित शरीर को, कहते हैं योग माया से अपना शरीर त्याग दिया, यानी उनका शरीर जो था योग माया से, यानी अपने आप उन्होंने शरीर त्याग दिया और उनके अंदर जो हड्डियाँ थी
उन हड्डियों से बने हुए अस्त्र से इंद्र ने असुरों को पराजित किया। महर्षि दधीच की अस्थियों से बने वज्र से वृत्तासुर मारा गया, देवताओं की जीत हुई। धन्य है महर्षि दधीच का त्याग। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। देखिए, हमारे देश में न जाने कितने कितने बड़े हमारी धरती पर महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने धरती के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिनको हम आज भी बड़े आदर के साथ याद करते हैं। उन्हीं में से थे एक महर्षि दधीचि। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद आती है एक्सरसाइज। देखिए, पहला क्वेश्चन है, असुर देवताओं से क्यों लड़ रहे थे? आंसर होगा, असुर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, देवताओं को महर्षि दधीच की अस्थियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आंसर है, महर्षि दधीच की अस्थियों से बने वज्रास्त्र से वृत्तासुर का वध निश्चित था, इस कारण देवताओं को महर्षि दधीच की अस्थियों की आवश्यकता पड़ी। थर्ड क्वेश्चन है, अस्थियां मांगे जाने पर दधीच ने क्या सोचा? आंसर क्या है, अस्थियां मांगे जाने पर दधीच ने स्वयं को धन्य समझा। फोर्थ क्वेश्चन, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में मेला क्यों लगता है? आंसर है, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में मेला महर्षि दधीचि की स्मृति में लगता है। इसके बाद क्या है, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी मुश्किल कार्य में सफलता पाई जा सकती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? आंसर क्या होगा, त्याग में इतनी शक्ति है कि उसके बल पर किसी भी मुश्किल कार्य में सफलता पाई जा सकती है। हम इस कथन से सहमत हैं। मनुष्य अनुभव से सीखता आया है कि सभी कार्य पुरुषार्थ, साधना, तपस्या और त्याग से संपूर्ण होते हैं। इसके बाद है, किसने किससे कहा, आप निराश ना हो, असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है? ये किसने किससे कहा, ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा। आंसर होगा, ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा। दूसरा, वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां बला हमें कैसे मिल सकती हैं? ये किसने कहा, इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा। तीसरा, आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें, महर्षि दधीचि ने इंद्र से कहा। इसके बाद है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, इंद्र की बात सुनकर महर्षि दधीचि घर के अंदर महर्षि दधीचि के अंदर भय व्याप्त हो गया, गलत है। दूसरा, महर्षि दधीचि को चिंता थी कि असुरों की विजय से संसार में पाप बढ़ जाएगा, सही। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए, गलत। ब्रह्मा जी की स्मृति में नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में मेला लगता है, ये भी गलत। ब्रह्मा जी की स्मृति में नहीं बल्कि महर्षि दधीचि की स्मृति में नैमिषारण्य में फाल्गुन माह में प्रतिवर्ष मेला लगता है। देखिए, इससे पहले आपकी एक एक्सरसाइज छूट गई, एक्सरसाइज नंबर 4, ये है, पाठ की घटनाओं का सही क्रम में वर्णन कीजिए। देखिए क्या क्या लिखा है, देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, इंद्र का महर्षि दधीचि के पास जाना, इंद्र का ब्रह्मा जी से असुरों पर विजय के बारे में उपाय पूछना, इंद्र का ब्रह्मा जी के पास जाना, दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जाना, वृत्तासुर का संहार होना, महर्षि दधीचि का प्राण त्यागना। इन सबको सही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ना, दूसरा है इंद्र का ब्रह्मा जी के पास जाना, तीसरा इंद्र का ब्रह्मा जी से असुरों पर विजय के बारे में उपाय पूछना, चौथा इंद्र का महर्षि दधीचि के पास जाना, पांचवा महर्षि दधीचि का प्राण त्यागना, छठा दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जाना, फिर वृत्तासुर का संहार करना। इस प्रकार यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।